बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। दतवाड़ा की खाली पड़ी शासकीय जमीन की झाड़ियों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। दतवाड़ा के नर्मदा नदी क्षेत्र में गांव से लगी खाली शासकीय जमीन पर उगी झाड़ियों में आज सुबह 9 बजे के दरमियान आग लग गई। वहीं हवा के साथ आग कुछ ही देरों में करीबन 1 एकड़ तक फैल गई। सूचना मिलते ही अंजड़ फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर करीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। दरअसल दतवाड़ा गांव से नर्मदा नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर लगी शासकीय जमीन पर कुछ झाड़ियों में रविवार आग लग गई। देखते ही देखते ये आग काफ़ी जगह फैल गई। गांव के मनोज सोलंकी ने बताया कि धुआं बढ़ता देख उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो पाया कि गांव से लगी लगभग 5-6 एकड़ की झाड़ियों में आग तेजी से फैल रही थी। तुरंत अंजर थाने और फायर ब्रिगेड को सूचना देकर बुलवाया गया, जिससे आग को गांव में फैलने से रोका गया। फायर ब्रिगेड चालक बबलू कुरेशी ने बताया कि सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और पाया कि आगजनी फैल रही थी। वहीं आगजनी से किसी जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह आग लगभग 1 एकड़ की झाड़ियों में लगी थी, जिसे फायर ब्रिगेड द्वारा बुझाया गया है। बबलू भाई, अभी कहाँ आग लगी थी और कहाँ पे बुझे अपने? ये ग्राम दतवाड़ा में आग लगी थी जी। फोन आया था मनोज भाई का कि यार थाने पे हमने खबर कर दी, सूचना दे दी और आपको भी दे रहे हैं, आप वो फायर लेके जल्दी आओ, ये जंगल में आग लगी है। कितना क्या पेड़ पौधों को नुकसान हुआ है? पेड़ पौधे जले, आधा एकड़ में जले, बाकी जो बच गए 5-6 एकड़ में पूरे झाड़ियाँ वगैरह ये पूरी लगी थी शासकीय। बताया जा रहा है कि गांव के पास में ही आग थी, यदि समय पे नहीं बुझती तो और बड़ा हादसा। पूरा पूरा गांव लगा हुआ है और हवा भी साइड ही चल रही थी तो गनीमत रही कि हवा पलट गई। अच्छा, तो वो एक फायर में पूरा कंट्रोल होगा और उसको बुझा दी पूरा। और वो सतीश भाई उचानी और ये वो सब आगे थे, सभी के प्रयासों से आग बुझा दी। कपास की फसल पर थ्रिप्स, हरा मच्छर व अन्य बीमारियों की हुई आमद, किसानों के लिए बड़ी चिंता। अंजड़ क्षेत्र में कपास की फसलों में थ्रिप्स, हरा मच्छर व अन्य रोगों का आगमन हो गया है, जिससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। परेशानियों की वजह यह भी है कि बीते सालों में इन बीमारियों से किसानों की फसलें कपास की कई खेतों में चौपट हो गई थी। अधिकतर यह बीमारियां सूखे के समय में ही अपना असर छोड़ती है। अगर आने वाले दिनों में बरसात जल्दी नहीं होती है तो इसका असर और अधिक हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह किसी तरीके के कीटनाशकों से मरती नहीं है, हालांकि दवा का प्रयोग करने से इसका असर कुछ दिनों के लिए बेअसर हो जाता है। ऐसे में किसानों ने अब कपास की फसल में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी शुरू कर दिया है। जुलाई अंत व अगस्त माह में कपास के डेंडू लगने का उपयुक्त समय होता है, इस समय ही बीमारियाँ सबसे अधिक आती है। लेकिन अभी फिलहाल मई के अंत में ही थ्रिप्स, हरा मच्छर व अन्य बीमारियों का प्रकोप साफ देखा जा रहा है। एक साथ बीमारी आने के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। कृषि आदान विक्रेताओं की माने तो सफ़ेद मक्की के साथ पत्ता मरोड़ बीमारी भी साथ आ जाती है। किसान मनोज यादव ने बताया कि उनके अंजड़ स्थित 7 एकड़ खेत में बीमारियों का प्रकोप बीते 7 से 8 दिनों से देखा जा रहा है। मनोज यादव, ये क्या कपास में बीमारी आ रही है भाई? ये थ्रिप्स आ रही है, हरा मच्छर और लिपमाइना। कितने दिन से दिखाई दे रही है बीमारी? ये करीब 8 रोज से। कितना एकड़ में लगाया कपास हमने? ये 7 एकड़। तो कवर हो रहा है ये? कवर स्प्रे करते हैं तो होता है, दो चार रोज में वापस उखड़ जाता है। तो क्षेत्र के और दूसरे खेतों में भी आया है ये? दूसरे खेत में देखने जाना पड़ेगा।